डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन सियर स्ट्रेसेस इन बीम के ऊपर। हमने लास्ट लेक्चर में सियर स्ट्रेसेस इन बीम डिस्कस किए थे, आप थोड़ा सा देखेंगे सियर स्ट्रेसेस इन बीम। देखिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उसके पहले हमने आपको कैलकुलेटर जो है दिखा दिया, इसका मतलब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सियर स्ट्रेसेस इन बीम लेक्चर नंबर 81 में हमने काफ़ी डिटेल में बताए थे, कॉन्सेप्ट बताया था और उस कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये फार्मूला निकाले थे FAy बार अपन IB। इस फार्मूला को थोड़ा सा जो है बताने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ जो है एंट्री लेंगे। ध्यान दीजिए, F क्या है? सीयर फोर्स। A क्या है? एरिया। और ये कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और Y बार क्या है? डिस्टेंस ऑफ आउटर फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जो बेंडिंग स्ट्रेस में लेते थे वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब ये आप कोई भी क्रॉस सेक्शन देखेंगे ना, कोई भी क्रॉस सेक्शन, तो देखिए ये वाई है, लेकिन इसके ऊपर जो सेक्शन लिए हैं इसका एक सी जी होगा, तो वाई प्लस इसका सी जी दैट विल बी वाई बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये डिस्टेंस आपका वाई हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी सी जी कहाँ लाई कर रही है? यहाँ पर, ठीक है। तो हमने रिलेशन भी बताए थे, लोड एंड सीयर फोर्स। F क्या है? सीयर फोर्स। और W क्या है? लोड। तो लोड एंड सीयर फोर्स के बीच का रिलेशन है और ये बेंडिंग मोमेंट एंड सीयर फोर्स के बीच डिस्टेंस है। और इसको समझाते समझाते हमने फिगर के थ्रू, फिगर के हेल्प से हमने समझाया था कि किस तरह से अनबैलेंस्ड फोर्स जो है बीम में सेटअप होता है और उस अनबैलेंस्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए सीयर स्ट्रेस जो है लगता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें बताए थे और फाइनली हमने इक्वेशन निकाले थे जो कि ये इक्वेशन आपके सामने है, FAy बार अपन IB। इसी इक्वेशन के हेल्प से पहले ये इक्वेशन हम लिख देंगे, उसके बाद जो है हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाउ इक्वल टू क्या है? FAy बार अपन IB। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? फाइनल फार्मूला। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अब देखिए यहाँ पर कोई बीम है, ठीक है ना। बीम कैसा होगा? ध्यान दीजिए, बीम कुछ ऐसा होगा और बीम में कह भी रहा है कि वुडन बीम, लकड़ी का बीम है, 100 mm वाइड एंड 150 mm डीप। अब ध्यान दीजिएगा, बीम है और हो सकता है, हो नहीं सकता है ही, सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन क्या है कि कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन जो आप देखते हैं रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल जो आप देख रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल को यदि हम अलग से बना लें, ठीक है ना, इसी रेक्टेंगल को यहाँ पर अलग से बड़ा सा बनाकर दिखाए हैं, तो ये कितना है? 100 mm वाइड है, ठीक है ना। ये क्या है आपका? 100 mm वाइड है, ठीक है, ये आपका 100 mm वाइड है। और डेप्थ कितना है? ये आपका 150, ठीक है। डिप इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पान ऑफ 4 meter। ये इसकी डिस्टेंस, स्पान मतलब लेंथ ऑफ द बीम कितना है आपका? 4 meter। इफ सीयर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ द बीम इज 4500 newton, मतलब कि ये सीयर फोर्स कितना है, ये सब गिवेन है डाटा, ठीक है ना, क्या है गिवेन। तो F इक्वल टू क्या हो गया? 4500 newton, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है? फाइंड द सीयर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए इसमें कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा कि नहीं, तो यही न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना करके आपको समझा रहे हैं। और 25 mm अबव द न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वह कितना है आपकी? 25 mm, ठीक है। अब 25 mm यदि ये है और ये टोटल 150 है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचाइए? 75। यदि ये पूरा 75 है तो ये 25 निकल गया, तो ये कितना बचेगा आपका? देखिए 50, ठीक है। तो यदि ये 50 है, ये 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये y बार कितना होगा? ये y बार हो गया, तो यहाँ से आप y बार निकालेंगे यदि, तो क्या हो गया? 25 अब प्लस ये टोटल 50 है ना, 50 का सी जी कहाँ होगा? हाफ पे, तो 50/2 दैट मीन्स की 25 अब प्लस 50/2 का 25 इक्वल टू क्या हो गया? 50। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, y बार कितना निकला आपका? 50, ठीक है। ये 100, और देखिए इसमें क्या क्या चाहिए? सीयर फोर्स,
तो शियर फोर्स दिया हुआ है एरिया। नाउ अब हम एरिया थोड़ा सा देखें, क्या एरिया, ठीक है ना। अब एरिया कितना है दोस्त इसका, एरिया क्या है, बी इंटू डी, तो बी कितना है 100, ये 100 और ये 150, ये आपका एरिया हो गया। बी बी आपको मालूम है इसका विड्थ, ठीक है। ए निकाल लिए आप एरिया, और वाई बार आपको मालूम है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपन क्या हो गया आई बी। तो एफ कितना है आपका 4500, एरिया कितना है 100 इंटू 150, एमएम में जा रहा है 150, और एमएम स्क्वायर होगा तो 10 to the power -6, क्योंकि मीटर में, या तो सब मीटर में लें या सब किसमें लें, हम सब या तो मीटर में लेंगे या सब हम लेंगे किसमें, एमएम में, ठीक है। तो ये ए और वाई बार कितना है 50 एमएम, ठीक है ना, सब एमएम में ही ले लेते हैं, एमएम में ही रहने दीजिए, 10 to the power -6 मत कीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। वाई बार हो गया, और आई, आई क्या होता है, आई बी डी क्यू बाई 12, यही होता है ना, बी कितना है 100, डेप्थ कितना है 150 का क्यू बाई 12, तो ये 100 इंटू 150 का क्यू बाई 12, ये हो गया आपका आई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इंटू बी, बी कितना है 100। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस। और इसके लिए ही है, हम यहाँ पर कैलकुलेटर रखे थे आपके लिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट हियर ऑलमोस्ट 0.4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। बस इतना सा ही सिंपल क्वेश्चन है शियर स्ट्रेस का, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। सिर्फ अंतर क्या रहता है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपन आई बी। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसको आप बना पाएंगे, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन को। और अब हम लोग जो है इसके आगे कुछ रेक्टेंगुलर और दूसरे सेक्शंस के भी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे। आज यही तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।